छोटा फल मजे की बन गई है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आज मेरे गार्डन में ना बच्चे लोग कुरान पाक की तालीम पढ़ रहे हैं। काम हो रहा है अभी। चलें जी माशाल्लाह, काम अभी हो रहा है, चल के चलते हैं, देखते हैं अगर हो रहा है तो ठीक। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे, जहां भी होंगे सब मुस्कुराते होंगे, मुझे साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं और अमन से उनके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। आज का मेरा व्लॉग है इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है, अपने रिक्शा से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसमें बैठ के मैंने इंजॉय नहीं किया, तो आज सोचा इधर बैठ के ही थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं और व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लें सब्सक्राइब, उसके बाद चलते अपनी मजेदार वीडियो की जानिब। लेट्स गो। व्यूअर चल रहे हैं सीधा सीधा अपनी ड्यूटी की जानिब। मुझे लगता है कि आज मुझे सब्जी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सुबह यहाँ पर आया था रिक्शे वाला, हमने सब्जी नहीं ली थी। ठीक है, ली थी या नहीं ली थी? नहीं ली थी ना। अभी जाएंगे हाजी साहब, होगा नहीं तो फिर सब्जी कहाँ से मिलेगी? फर्स्ट यहाँ से नहीं मिलेगी ना। नहीं। चलें जी चेक करते हैं माशाल्लाह। और इसको इसके साथ जाना चाहते हो? मैं जा रहा हूँ सब्जी लेने। ठीक है, सब्जी लेके आऊँगा फिर आपसे बात करूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये देखें जी, इसका रास्ता है जाने का, ये देखें। वाह जी वाह, सब्जी वाले के घर आया हूँ ये देखें, ताकि पूछ लूँ क्या मसला है। बस कर गए हैं, चला रही हैं, क्या मसला है, बीमार हैं, कोई रीज़न भी पता चल जाएगा और साथ में ये भी मालूम हो जाएगा अगर वो लगा के रखे हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ख़त्म। सब्ज़ी तो नहीं मिली, अलबत्ता फ्रूट मिल गए हैं। और अब फ्रूट पर तो गुजारा नहीं होता, लेकिन सब्ज़ी भी लेनी ज़रूरी है। ऐसा करते हैं ले चलते हैं दाल, फिर कल इंशाल्लाह जो सब्ज़ी वाला आता है ना उसी के साथ फिर चलेंगे डेली रूटीन के साथ इंशाल्लाह। अभी नो सब्ज़ी, नो टेंशन, सही है। किराना शॉप पे आ गए हैं, यहाँ पर दो तीन आइटम हैं भाई। 100 रुपए की दाल, कौन सी भाई? मूँगी। सब्ज़ी तो नहीं मिली, अब दाल ही खानी है। और इधर मेरा चेहरा नहीं आता होगा, मुझे लगता है आप में सिर्फ ये चीज़ आ रही होगी। एक डब्बा दूध का ऐसे है ना? नहीं, नीचे तक आ रहे हो, हाथ भी तुम्हारा नजर आ रहे हैं। चेहरा मेरा आ रहा है इसमें? चेहरा भी आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? हाँ, मोबाइल का कैमरा तो नीचे पकड़ा हुआ है, लेकिन फुल बटा फुल आ रहा है ना। ये देखना कितना आ रहा हूँ मैं, ऐसे ना, ये वजह है। तो एक डब्बा दूध का, 100 रुपए की दाल मूंगी। यार बर्तन जाली है यार, मोटे वाली, चलो ठीक है फिर वो भी एक दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सामान ले लिया, बिल भी बन गया और उसको पैसे भी दे दिए हैं। अब ऐसा करते हैं कि उठाते हैं जी अपना, क्या, हाँ किन्नू भाई उठाओ और फिर मैं जाओ, जल्दी करो। कौन सा बटन मीठा होगा बताओ? मुझे नहीं पता चलता भाई, रेड रेड रेड। ये अब है आपकी किस्मत की बात, ये एक उठाएंगे मैं चला जाऊँगा, 6 साल का खाना पड़ेगा। या तो रुक कर, ऐसा करो ना, एक ले लो किन्नो, एक ले लो मौसमी। नहीं नहीं, वो आप बस मेरी बात तो सुन, अगर वो खट्टा निकला तो फिर क्या करोगे? फिर मौसमी मीठा हो जाएगा। बस ये ठीक है, बस अब बिस्मिल्लाह पढ़ लो। चलें ठीक। कह रहे भी बार अभी फ्रूट लेके आया हूँ, था अहमद भाई माशाल्लाह उन्होंने भी ले लिया है और अम्मी ने भी ले लिया, अबू ने भी ले लिया है। तो अभी चलते हैं घर। और टाइम क्या हो गया है अबू जान? टाइम देख सकता 10:30 35 मिनट अभी हैं पड़े, है ना? हाँ। चलो जी माशाल्लाह चलते हैं, ये 45 मिनट पे होगी, 45 मिनट पे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आज मेरे गार्डन में ना बच्चे लोग कुरान पाक की तालीम पढ़ रहे हैं। वाह जी वाह, आपको आता है इब्राहिम? ये अब भी तो अलिफ बा पे हो आप। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा आप कहाँ पे हो? ये भी यार उधर बैठो ना, उधर बैठ जाओ, उधर इधर बैठ जाओ। हाजरा आप नीचे उतरो, आपने पढ़ाई कर लिया, चलो अब जाओ, चलो आप बैठ जाओ। हाँ चलो पढ़ो माशाल्लाह।
लगती है। इधर आ रही थी थोड़ी थोड़ी धूप, इसलिए ना ये यहाँ पर आके बैठ गए हैं। बाकी सबक सबको आ रहा है। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे व्यूअर एक मजे की बात बताऊँ आपको, रात तो मुअज्जम ने पहुँचा दिए थे दही वाले, तो आज पता है इनके घर में क्या पक रहा है? मुअज्जम को पता होगा कि क्या पक रहा है, वैसे मुझे बताया है अभी अभी लेकिन उसी की जुबानी सुनते हैं कि आज क्या पकाया है। साग भड़काया है जी। साग भड़काया है? नहीं, पकाया है ना, वो बनाना है। अच्छा, मतलब बॉयल हुआ पड़ा है जी। सिर्फ उसको भून भान के घी में तल तुल के और उसमें मिर्ची वगैरह ऐड करके और बेहतरीन बना के खाना है बस जी। ओहो माशाल्लाह। तेरे एक कटोरी में ना जी, इतना सा लेके ना ये फल कटोरा आधी देगड़ी में, जैसे पूरी देगड़ी होती है इतना, इतना ही होता है। इतना है, इतना ही है। अच्छा, वैसे मैं मजाक कर रहा था और मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह, पहुंच जाएंगे। रोटियां अभी तक बन रही है ना? अभी रोटियां घर से लेके आऊं या उधर मिल जाएंगी? जैसे आप वहां पे आ जाए रोटी खा ले, पकी होती है ये खाना भी होता है। अपने घर से ले आए तो फिर यही बेस्ट है, जैसे जैसे भी। बड़ा चलाक है, बोल रहे रोटी अपने घर से लेके आओ। यार ये काम हो रहा है ठीक, वरना अपने चाचू को बोलो कि ये जो कही है ना ये तो कम से कम निकाल लो, रात में कोई ले जाएगा। काम हो रहा है, मुंशी आएगा फिर दोबारा बनाएगा दोबारा। अच्छा, काम हो रहा है अभी? चलो जी माशाल्लाह काम अभी हो रहा है, चल के चलते हैं, देखते हैं अगर हो रहा है तो ठीक, अगर नहीं हो रहा तो उनको बताते हैं कि उधर कहीं भी पड़ी है वो भी निकाल लीजिएगा मिट्टी वगैरह। सुबह ये देखिए खावड़ीदार सही अंदा पै माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अभी आपको दिखाते हैं ये वाला रूम। हाय माशाल्लाह कितना सोना लग रहा है। अभी तो इसमें सूखना है, सूखने बाद इसका और डिजाइन बनेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर कच्चा मकान और मिट्टी के बर्तन, वाह जी वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दिन ब दिन घर जो है ना काफ़ी खूबसूरत होता जा रहा है। और इसके अलावा और चीज़ दिखाऊँ आपको, आज तो इनका गार्डन भाई, हमारा क्या गार्डन है, गार्डन आमिर भाई बनाता है ये देखें माशाल्लाह, कितना सोना आमिर बना दिया है ना, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, दिल कर देखता रहूं। खैर खैर सुभान अल्लाह। और अभी जो है ना एक चीज और दिखाऊं आपको, ये देखें एक, ये बड़ी प्यारी लग रही है सेंटर में, और अगर सेम इसी तरह की उस सेंटर में होती तो ये मजीद सोना हो जाना था, लेकिन हर किसी की मर्जी है वो जैसा भी करे, मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला। अच्छा जी, इसकी भी माशाल्लाह नई नई कॉम्प्लें और उसकी भी नई नई कॉम्प्लें हो रही हैं ये इसकी, वाह जी वाह। और आज जो लिपाई का काम किया गया है तकरीबन, ये देखें ये सारा किया गया है, ये सारा किया गया है, ये भी सारा किया गया, इसके अलावा अंदर तकरीबन वो भी पड़ी है, मज़ीद इन्होंने करना है काम। और ये इनको यहाँ पर लगा दिया है जी, ये देखें इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये बड़ा ही प्यारा और सुनहरा सुनहरा ज़बरदस्त बन जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि जब ये फूल लगेंगे, जब ये घास उग जाएगी, जब ये अमरूद बड़ा हो जाएगा, जब माल्टे लगना शुरू हो जाएंगे, जब फूलों की बरसात हो जाएगी, तो फिर क्या ही बात हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी माशाल्लाह ये भी हो गया है, ये देखें तकरीबन लेपा पोला, और इधर पानी वगैरह लगा दिया, कल शायद इसके लिए लिपाई वगैरह करेंगे। हाँ मेरे पीलो, मेरे पीलो, कैसी हो, ठीक हो, तबीयत ठीक है माशाल्लाह जी। और इधर गुड़गड़े थे, चेक करें जी इनके गुड़गड़े, वो तोड़ो तोड़ नज़र आते हैं माशाल्लाह। अपने घर में एंट्री होते ही दिल खुश हो जाता है, पता है क्यों हो जाता है, आपको पता तो है क्यों हो जाता है। चलें आज मैं आपको एक सरप्राइज़ दिखाता हूँ माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त A1 सरप्राइज़ है।
और दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इधर देखें मटर आ गया। और एक बात बताओ, ये सुबह नज़र नहीं आ रहा था ये वाला। और एक वो है, दूर है थोड़ा, आपको शायद नज़र नहीं आएगा, करीब करके दिखाता हूँ। ये पड़ा है, ये देखें, ये वाला नज़र आ रहा है। और इसके अलावा और जगह पर भी ज़मीन कुछ कुछ फट रही है, मतलब यहाँ भी फट रही है ये देखें, और उधर भी फट रही है, ऐसे ऐसे वैसे। मटर यहाँ पर ग्रीन ग्रीन आपको बहुत जल्द नज़र आने वाला है माशाल्लाह। बस 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 थक जाओगे, आ जाओ घर चले, घर चले, चलो 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 घर। अरे भी मेरे माशाल्लाह, खाना तो मैंने बना लिया है, दाल वो बना लिया जो उस वक्त ले आया था ना, वो तो बना ली। अब इसमें ये मंदड़ा मारना बाकी है, तो मैंने सोचा ये भी कर लें, चेक कर लें। ये हिल रही है, बाकी मुझे आता है, ये थोड़ा हिल रही है, कहाँ तक भागेगी। पता है ये हम क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं ताकि ये गाढ़ा माल बन जाए, तो वो दूसरी भी पकाते हैं, जैसे दाल माश पकी होती है साबित, तो वैसे भी पकाते हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये बेस्ट है। ऐसे क्या होगा, ये हमारी दाल एकदम गाढ़ी बन जाएगी, और उसके बाद हम इसमें रोटी की मिलावट करेंगे, मिलावट करने के बाद मज़े से खाएंगे, और मज़ा भी देती है। बचपन से ऐसे ही करते आ रहे थे, तो आजकल कुछ ज़्यादा ही। आज आपको पता है मैं लेने गया था ना सब्ज़ी, तो सब्ज़ी लेने गया, सब्ज़ी वाला बेचारा था नहीं, एक तो वो बीमार है, और दूसरा उसका ये हुआ है कि सब्ज़ी लगाना उसने छोड़ दिया है, लोगों ने बहुत ज़्यादा उधार लिया उससे, वापस की नहीं, तो उस बेचारे का काम ठप हो गया। अब उसके पास पैसे आएंगे तो कारोबार वो चलाएगा ना, तो लोग भी बड़े अजीब हैं यार, गरीब बंदों से भी उधार खा लेते हैं फिर वापस भी नहीं करते। मुझे इन ऐसे लोगों पर ना बड़ा गुस्सा आता है यार, उसकी खुद की हालत तो देखो कैसी है। इसलिए ना मैं उसके घर गया था, मैंने कहा पूछूं, क्योंकि कल नहीं परसों जब मैं उसे सब्ज़ी ले रहा था तो उसका हुआ था एक्सीडेंट, वो जो बाबा खड़ा होता ना उसका एक्सीडेंट हुआ था, सुबह सुबह मंडी जाता है ना, तो उसका इधर चोट आई थी, इधर टांग पे चोट आई थी, बाजू बांधे रखा, फिर उसके बाजू का ना दोबारा से तकलीफ शुरू हो गई थी, इस वजह से फिर बड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए मैंने कहा जाकर पूछा हूँ उसके घर में। ये मसले मसाइल हैं जी उसको, तो सब्ज़ी मिली नहीं थी इसलिए मैं वापस आ गया और दाल लेके। अब माशाल्लाह दाल हमारी तैयार हो चुकी है, अब पता नहीं ज़्यादा तो नहीं लगा दिया है, मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठंडी में पड़ जाए फिर, ऊपर से सर्दियां भी हैं। नहीं नहीं
अब फुल बटा फुल मजे की बन गई है। आज इस कदर मजे की दाल मैंने बना दिया ना, यकीन करें आप खाएंगे तो पछताएंगे, नहीं खाएंगे तभी पछताएंगे। ऐसी दाल बना दी है मैंने माशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, अब ऐसा ऐसा करके ना मैं ये खाने वगैरह बनाना ना सीखता रहूँगा। ये तैयार है जी, बस अब इसको ये बाहर निकालेंगे, उसके बाद रोटी तब तक पक जाएगी, फिर साथ में बैठ के खाएंगे जैसे रोज़ खाते हैं नाइट में। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है, मौज़म को बोला था कि यार इतना सा थोड़ा सा इशारे में बोला था कि कोई साग वगैरह शायद आ जाए, अगर नसीब में हुआ तो आ जाएगा और अगर नसीब में ना हुआ तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी। ऐसा ही होता है ना, अगर मेरे नसीब में होगा तो ज़रूर आ जाएगा कहीं ना कहीं से, अगर नहीं होगा तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है। सही है, तो बाकी क्या हम काम निपटाते हैं, आपका कोई काम हो तो आप निपटा ले, मिलेंगे थोड़ी देर बाद, बेस्ट ऑफ लक। यार व्यूअर, एक मज़े की बात बताऊँ आपको, बड़ी है मज़े की। ये जो मेरा शहजादा है ना, ये वाला इधर देखो, कैसे हो? तबीयत ठीक है? अच्छा, ये शहजादे ने ऑर्डर दिया है अपनी अम्मी को कि खबरदार अगर मेरी चारपाई पे कोई सोया तो मैं नाइट के टाइम चारपाई को उल्टा कर दूंगा, सब के सब नीचे गिर जाएंगे। उसी डर और खौफ की वजह से खटड़ा जी हमने चारपाई चेंज कर दी है। हमारी सराइकी लैंग्वेज में इसे खटड़ा बोलते हैं असल में। ये देखें, ये उसका अपना आ गया, और वाह जी वाह, वाह जी वाह, और तो रजाइयाँ भी दूसरी, और आपकी भी न्यू रजाई दो बार की है। और दो वो बना के रख दी हैं, एक अभी तक ये अनबनी भी पड़ी है। वाह जी वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था प्यारे व्यूअर कि हमारी रजाइयाँ भी बन गई हैं। इतना खुशी की बात इसने छुपाए रखी मुझसे, अभी बता रहा है। वाह जी वाह, बड़ी गल है यार आपकी। चलें जी, तो मैं कह रहा था कि इसने अपनी चारपाई छीन ली दोबारा से, अब सिद्दीक और उसकी अम्मी इधर आ जाएंगे, और हम गरीब लोग हैं, आपको पता है मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम हैं गरीब लोग, हम इधर के इधर ही पड़े रहेंगे अपनी पुरानी जगह पे, पुरानी चारपाई पे, हर चीज़ पुराना माहौल, पुराना सिस्टम। सही है, चलो खाने का इंतज़ार करती हैं, खाना आ जाएगा, फिर खाना खा के आगे की बात करेंगे। अभी चलते हैं अम्मी अबू वाले के पास, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या बनाया, क्या खाया, क्या नहीं किया वगैरह वगैरह। ओके, सुबह सुबह और शाम में अम्मी अबू का दीदार हो जाता है ना, यकीन करें दिल ठंडा पड़ जाता है। आगे पीछे की बात तो खैर चलती रहती है, दिन में कई बार मुलाकात होती है, लेकिन ये जो सुबह सुबह का है माहौल और ये जो नाइट का है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे व्यूअर, अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सबसे पहले यहाँ पर किचन में हमारी इंट्री हुई है। मैंने सोचा पहले देख लूँ कि क्या बनाया है। वाह जी वाह, ये तो बड़ा चमक रहा है यार, क्या डाला है इसमें, देख चमक रहा है वो देख। थूम, दाने, मसाल, मिर्चा। अच्छा, हीरे जेवरात तो नहीं है ना? हो सकता है हीरे जेवरात भी आ सकते हैं। और इधर खाना तैयार हो रहा है जी माशाल्लाह, रोटी तैयार हो रही है, मज़े के साथ खा पी रहे हैं लोग, हमारा भी तैयार हो रहा है माशाल्लाह। और इधर हम इंटर होते हैं जी अम्मी अब्बू वाले के रूम में, और मुझे लगता है कि इसको रोके हुए हैं कि ये बाहर ना जाए ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत सी ठीक है? हैं? ओ इसके दांत चेक करें व्यूअर, अभी मैं दिखाता हूँ इसके दांत। अभी दांत देखे, वो देखे। माशाल्लाह जी, ये खिलौना खेल रहा है अम्मी जान के साथ, अब्बू जान के साथ। अम्मी इधर बैठी हैं, अब्बू इधर बैठे हैं, ये सेंटर में खेल रहा है माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ। बहुत सर्दी है ना, बाहर सर्दी है। हाँ, बला ये बाहर आते मैं चलता फिरता रहूँ बस।
अच्छी बात है, सर्दियों से ना बच्चों को बचाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चलें जी, अभी तक आपने खाना नहीं खाया? नहीं। आज क्या बनाया है? आज बनाया है साग। साग बनाया है? थोड़ा सा के तो सब टेस्ट कर लो। ये वाले नहीं, अम्मी। अच्छा अच्छा, वो वाले। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ये मतलब सब्बा की अम्मी। सब्बा की अम्मी नहीं। अच्छा, इसकी अम्मी जो आज लेपा पोला कर रहे थे। हाँ, वो वही। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। ये हम साया बैठे हैं ना, ये हमारे पास इसकी जो अम्मी है ना, मतलब मर्द की या औरत की? मर्द की या औरत की? औरत की। औरत की जो औरत की अम्मी है, वो माशाल्लाह साग दे गई थी, बोला कि आप भी खा लो, हम भी खा लेते हैं, मिल बैठ के खा लेंगे तो इंशाल्लाह सही रहेगा। इन्होंने साग बनाया है, हमने दाल बनाई है, मुकाबला सख्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे घर में भी थपड़ा थपड़ा हो रही है, इसका मतलब रोटी पक रही है, भूख भी कुछ कुछ लगी हुई है। सर्दियों में पता नहीं भूख बढ़ क्यों जाती है, आपको ऐसा महसूस होता है कि सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है? जिसको ऐसा महसूस होता है कमेंट में ज़रूर बताएगा। प्यारे व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल व करम से खाना हमारा तैयार भी हो चुका है और हमारे पास आ भी चुका है। सबसे पहले वो दाल है जो मैंने रगड़ा रुगड़ी इसकी की थी, और इसके बाद ये देखें आ गया है साग। खैर, मुअज्जम वाली साइड से तो शायद किस्मत में नहीं था, लेकिन अब्बू जान वालों की साइड से किस्मत में था। इसमें घी देखें, फुल बटा फुल हमने तिड़का लगा दिया है, और इसमें मिर्च कुछ एक्स्ट्रा होती है, इसलिए मैंने दाल साथ में मंगवा लिया, ताकि यहाँ से निकाल के यहाँ इसमें ऐड कर दूँगा तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल बन जाएगा। तो अगर आपने इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ खानी हो, बल्कि दोनों ही अगर खानी हो, तो आ जाओ। ये भी माशाल्लाह प्यारी लग रही है, ये भी माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, साथ में रोटी भी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। तो खाना खा लें, उसके बाद इंशाल्लाह फ्री ऑफ कोर्स होकर बातचीत करते रहेंगे। मेरा एक शहज़ादा सो गया है, दूसरा भी आँखें पटी हुई है, लेकिन सोया नहीं है, सोया हुआ है, बस आंखें पटी हुई है, तो आंखें भाली हुई हैं, मतलब आंखें खोली हुई है। चलें जी, खैर खाने को इंतज़ार नहीं करवाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर, आपको पता है कि एंड टू एंड वीडियो का होने वाला है, और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ना, आपको पता है कि मैं वजाहत उसकी ज़रूर करता हूँ। मसला ये था कि मैंने उस टाइम ही बोला था जब मैं साग बना रहा था, या फिर उसके बाद बोला था, शायद मुझे याद नहीं है अच्छे से, लेकिन मौज़म को बोला, वहाँ से शायद हमारा नसीब नहीं था। मैंने मौज़म को मुखातिब करके कहा कि यार, लगता है कि वहाँ पर हमारा नसीब नहीं था, तो इधर से हमारा नसीब खुला हुआ था अम्मी वालों के यहाँ से, तो उधर से साग आ गया, हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो नसीब की बात ये थी, क्योंकि जहाँ पर रिस्क अल्लाह पाक किसी बंदे का लिख देता है, वो चाहे घर में बैठा है वहाँ पर भी पहुँच जाता है, ये असल बात है, ठीक है। तो आज वाला वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।